जय माता दी। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन देवी शक्ति के महागौरव स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है इनकी पूजा से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं आपको बता दें कि आज 10 अक्टूबर को अष्टमी तिथि है। ये वही अष्टमी तिथि के दिन कई लोग व्रत रखते हैं, कई कन्याओं को भोजन करा अपने नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन माँ गौरी की पूजा से समस्त पापों के दुखों का नाश होता है। वहीं देवी महागौरी की पूजा करते समय व्रत कथा का पाठ जरूरी होता है। आइए जानते हैं महागौरी की कथा। दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी की तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती जी नहीं आई तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर माँ पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था, उनकी छठा चांदनी के समान श्वेत, कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौर वर्ण दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते और शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से धोते। तब देवी अत्यंत गौरवर्ण की हो जाती हैं और तभी से उनका नाम गौरी पड़ा था। महागौरी रूप में देवी करुणामय, स्नेहमय, शांत और मृदंग दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करने हेतु देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाद साध के शरण नित्यंब के गौरी नारायणी नमस्तुते। एक कथा ये भी प्रचलित है कि एक सिंह काफ़ी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहाँ पहुँचा जहाँ देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तब से उठी तो सिंह की दशा को देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ उसे उनकी सवारी बना लेती, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। जय माता दी। माता दी माँ गौरी।